दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर हेमंत छाबरा जी, जो कि आप फेको एंड लेजर आई सर्जन। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आज है नेशनल डॉक्टर्स डे है। सर, आप ये बताइए कि जो नेशनल डॉक्टर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या उसका थीम है, उस बारे में आप बताइए। इसका मेन उद्देश्य है कि डॉक्टर्स जो सर्विस देते हैं ह्यूमैनिटी के लिए सेल्फलेसली और अनटायरिंगली, उसको याद करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को, जो जन्मदिन है डॉक्टर बीसी रॉय के, जो बहुत बड़े डॉक्टर थे और वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके नाम से इंडिया में मनाया जाता है और हर साल थीम अलग रहती है। इस बार जो थीम है वो है रीसाइलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। रीसाइलेंस यानि सेवा भाव प्लस हीलिंग हैंड्स यानि जो घाव भरते हैं। घाव तो कुदरत भरती है, भगवान की से नेचर से होता है, पर जो डॉक्टर्स उसमें हेल्प करते हैं, इसलिए उसको इस साल ये नाम दिया गया हीलिंग हैंड्स। और इंटरनेशनल जो है, बताऊंगा इस बारे में। इंटरनेशनल जो पहले मनाया गया था वो था 28 मार्च 1933, जो जॉर्जिया में मनाया गया था सबसे पहले। वहाँ पे एक मन में सबके भावना आई, भाई डॉक्टर्स इतना काम करते हैं, इतनी सेवा देते हैं, तो उनके नाम से कुछ मनाया जाए, किया जाए। तो जॉर्जिया में यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले मनाया गया था, जो इंटरनेशनल डे के रूप में आज भी मनाया जाता है। और इंडिया में डॉक्टर बी सी राय, जो सबसे ग्रेट डॉक्टर थे अपने इंडिया में, उनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है, नेशनल अवार्ड। वो उनके जन्मदिन के 1 जुलाई का मनाया। सर, ये भी देखा गया कि अभी दिन पे दिन लाइफस्टाइल डिजीज काफ़ी बढ़ते जा रही है, लोगों में डायबिटिक हो, चाहे कई तरह के जो डिजीज है, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज है, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, एज अ डॉक्टर्स नेशनल डे है, किस तरह का डॉक्टर्स लोगों का कमिटमेंट रहता है डिजीज को दूर करने के? जी जी, उस बात ये आपने बहुत अच्छा सवाल लिया कि भाई जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसमें से एक डायबिटिक हो गया, डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिस मेलाइटस, उसका प्योरली खाने पीने पे और स्ट्रेस और जेनेटिक्स तो रह गई, तीनों चीज़ें। खाने पीने में शुगर इतना हर चीज़ में वापरा जाता है इंडिया में, जो अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड। चीनी, एक्चुअली चीनी लोग लेके आए थे शक्कर 300 साल पहले इंडिया में, और उसका नाम अभी भी वो चीनी रखा गया है। मतलब शक्कर भी बोलते हैं अपन, पर शक्कर से ज़्यादा चीनी बोला जाता है। तो वो करते 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 अपने पीढ़ियों में ना आ गया शुगर। कम से कम एक एवरेज इंडियन 6 चाय पीता है, 5 से 6 चाय आप हिसाब लगाएंगे, और हर बार वो 3 चम्मच शुगर डालता है उसके अंदर। तो वो शुगर बढ़ना ही है, वो उतनी ज़रूरत ही नहीं है, कि हर चीज़ में नेचुरल वे में देखा जाए तो अनाज में, दालों में, सब में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट या शुगर है। फलों में अलग से शुगर डालने की, बनाने की जरूरत नहीं। दूसरा है अपने मिठाइयाँ, हर त्यौहार की, हर भगवान की एक मिठाई है। लड्डू चाहिए तो भाई गणेश जी को देना है, पेड़ा चाहिए तो भाई सरस्वती जी को देना है, या जो भी अपना चलता है। उस वजह से एक्स्ट्रा शुगर होने से उतना अपन जला नहीं पाते, बॉडी उतना जला नहीं पाती, इंसुलिन रहता है सफिशियंट। नेचर इतना इंसुलिन देता है कि अपन खा लें, 10-20 ग्राम हर बार लेंगे अपन तो उतना हो जाएगा। शुगर एक्स्ट्रा है तो उतना बर्न कर देगा, अपनी यूनिट सीक्रेट होती है, जो कि करीब 5 माइक्रो यूनिट से लेके तो 30 माइक्रो यूनिट तक के नॉर्मल रहती है पर माइक्रोलीटर अपने बॉडी में, तो उतना सफिशियंट है। पर इतना ज़्यादा लोड किया जाता है उतना अपन जला नहीं पाते, उतना काम नहीं कर पाते। जो हार्ड वर्किंग लोग हैं ऑलरेडी फील्ड में, उनके लिए ठीक है। सर, आमतौर पर ये भी देखा गया कि काफ़ी लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा यूज करते हैं, तो कई लोग विजन सिंड्रोम के शिकार होते जा रहे हैं। उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है उसको। तो कंप्यूटर सबसे पहले आया तो उसके ऊपर डिस्टेंस एक फिक्स था, उतनी ही दूरी पे अपने काम करना, प्लस उसका इलेक्ट्रॉनिक जो बीम था, जो किरणें थी, वो अपने अंदर आ रही थी आंखों के अंदर, तो उसको रोकने के लिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस बने या यूवी ब्लॉकिंग ग्लासेस बने, क्योंकि उसमें से अल्ट्रावायलेट भी निकलता है, ब्लू रेज भी निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बीम तो है ही। तो इस और प्लस अपना आँख खोल करके देख रहे हैं, जो भी मटेरियल देख रहे हैं वैसी बड़ी आँख करके देखना पड़ता है उसको, ब्लिंक नहीं कर रहा है। ब्लिंक करने से क्या है, जो अपने आँख का टीयर फिल्म है वो पूरे इसमें आँख में घूमेगा, पुतली के ऊपर और कंजंक्टिवा के ऊपर, जो वाइट पार्ट है उसके ऊपर और पुतली के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर।
वो नहीं हो पाता, उस वजह से ड्राई आई होती है। तो उसको अपन ड्राई आई के इसमें डालेंगे या विजन सिंड्रोम में डालेंगे, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या फिर ड्राई आई में डालेंगे। तो एक तो ब्लिंकिंग करना सीखना है कि भाई काम करो पर बीच बीच में आँख बंद करो। जो ब्लिंक करता है आदमी वो एक ब्लिंक 4 सेकंड में एक बार करता है, यानी करीब 16 ब्लिंक होती है हर मिनट में ब्लिंक करना चाहिए। जबरदस्ती भी ब्लिंक नहीं करते रहना है, ब्लिंक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीच करना पेशेंट्स को, यंगस्टर्स को जो अभी यूज़ कर रहे हैं, प्लस छोटे बच्चे, इतना नॉलेज आ रहा है उसमें, इतने कार्टून्स, इतनी स्टोरियाँ इतनी हैं कि वो भी चिपक जाते हैं। और आप उनको ध्यान से देखेंगे तो वो बिल्कुल भी आँखों को चमकाते नहीं है। अपने मोबाइल में से तो उसको भी अपने को सीखना पड़ेगा कि कितनी देर बच्चों को खेलने देना है। एक 5 मिनट दिया, आधा मिनट दूर रहो, 5 मिनट दिया, आधा मिनट दूर रहो। और इंडिपेंडेंट उनको नहीं देना है, उनको इंडिपेंडेंट देंगे तो दिमाग में इतना आकर्षण रहता है, वो हर चीज़ सीखना चाहता है। और बच्चा होने से उसको इतनी सारी नई नई दुनिया, नई नई चीज़ दिखाते रहते हैं, वो वीडियो इतने दिखाते रहते हैं कि वो उसमें खो जाता है। और खोने में वही ब्लिंक नहीं करेगा, खाने पर ध्यान नहीं देगा, मेरे को लगा के दीजिए कंप्यूटर, मेरे को लगा के दीजिए मोबाइल तो मैं खाऊँगा, नहीं तो नहीं। वो खाया कि गाना लगाओ, गाना यानी उसको चाहिए मोबाइल उसके हाथ में चाहिए, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा शुरू से, पहले दिन से। अब मम्मी उसके सामने बैठ के देखेगी, पापा देखेंगे, दादा देखेगा, दादी देखेगी, नाना देखेगा, नानी, तो नेचुरली बच्चा बोलेगा मेरे को भी दो। और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जब खाने बैठता हूँ तब ये मेरे को खिलाना चाहिए। इतना कंडीशनिंग हो गई है माइंड की, वो ब्रेक करना ज़रूरी है, बहुत ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के इतने पेशेंट आ रहे हैं हम लोगों के पास। आज भी 10 में से 1-3 डायबिटिक आते हैं जिनका रेटिना प्रॉब्लम रहता है या कुछ और कारण है उस वजह से आए। 3 बच्चे रहते हैं, बाकी 4 जनरल रहते हैं। नहीं सर, आप ये भी बताइए कि जैसे किड्स से लेकर एडल्ट्स तक जितने जो वयस्क लोग हैं उनमें ये आँखों के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे दुष्प्रभाव, तो उसके लिए मतलब किस तरह के एक्सरसाइज आँखों की जरूरी है? एक्सरसाइजेस बस यही है कि जब भी अपन स्टेयर करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ब्रेकिंग टाइम जरूरी है, क्योंकि जो ब्रेकअप टाइम है इसका, उसके लिए 10 सेकंड ब्रेकअप टाइम है। जो फिल्म अपनी रहती है वो 10 सेकंड तक के खड़ी रहती है और उसके बाद वो फटने लगती है, जैसे दूध की मलाई रहती है फटती है, तो वैसे ही उसका प्रोसेस है। तो वहाँ पर फिर अपने को स्ट्रेन, जलन, खुजली ये सब पैदा होगी, और खुजली करने जाएंगे तो फिर ये हाथ खराब उसको लगेंगे आँखों में, फिर इन्फेक्शन होगा, फिर वो विशेष सर्कल चलते रहता है। इन्फेक्शन हो रहा है, कंप्यूटर स्ट्रेन हो रही है या धूल से खराब हो रहा है, वो अपने को ब्रेक करना चाहिए, बीच में गैप चाहिए। जो आर्टिफिशियल टीयर्स या टीयर्स जो यूज करते हैं वो लुब्रिकेशन के लिए, आई ड्रॉप यूज करते हैं वो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, ज्यादा यूज करने का उसका दुष्परिणाम नहीं? नहीं, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिपेंडेंस हो जाएगा उसके ऊपर। उसको जैसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ फट से बोलेगा ड्रॉप दो। और ये इंडस्ट्री वाले, हर इंडस्ट्री वाला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ड्रॉप बनाता था, अभी एक आदमी अलग अलग कंपोनेंट मिला करके उसके अंदर 3-3, 4-4 चीज़ें मिला के कम से कम 5-5 प्रोडक्ट बना रहे हो, क्योंकि यूज़ हो रहा है तो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ी भी तकलीफ हुई वो सह नहीं पाता, ड्रॉप दीजिए, लड़के को बोलेगा, अटेंडेंस को बोलेगा, अटेंडेंट को बोलेगा, मम्मी को बोलेगा, फिर वो ड्रॉप डालो, ये प्रॉब्लम आ रहा है। आँख मलना करेगा स्वाभाविक है, क्योंकि उसके आँखें थकेगी, टैक्सी लगेगा, टायरिंग लगेगा, तो वो ड्रॉप मांगेगा। तो सर जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं उस दर्शकों को आप डॉक्टर्स डे पर एक और शुभकामना दे दीजिए। सभी लोगों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। और डॉक्टर लोग तो जो काम करते ही है, पर ये सब पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स जो हम लोग हैं वो सब पेशेंट की सेवा के लिए हैं। और आप सबको बधाइयाँ हो कि डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, हम लोगों को याद किया जाता है सब लोगों द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा, फार्मास्यूटिकल द्वारा, पेशेंट द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाइयाँ। और मैं इस चैनल को खास बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और इंटरव्यू लिया मेरा, ताकि मैं 2 शब्द आप लोगों से बात कर सकूँ और जो भी विचार है वो व्यक्त कर सकूँ। तो दर्शकों ये थे।